नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा के जल स्तर में कम होने के बाद क्या स्थिति है घाटों की। वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि रविदास घाट से लेकर मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के आपको नज़ारे दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये आपका रविदास घाट, जहाँ पर अभी सफाई का कार्य बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सामने क्रूज भागीरथी और उस तरफ आगे में अलकनंदा, और इस तरफ आप देख रहे हैं विवेकानंद, दोनों बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर खड़े हैं। और गंगा का जल स्तर में यहाँ पर काफ़ी कमी, जहाँ आप कार देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जलमग्न था उस तरफ, और इस तरफ आप देख पा रहे हैं घाटों पर जमा मिट्टी को अब पानी के प्रेशर के द्वारा साफ़ किया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं आप घाट पर जमा मिट्टी, अब धीरे धीरे सफाई का कार्य शुरू, क्योंकि गंगा का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। ये रविदास घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं पूरा सफाई का कार्य यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे में। और ये आप देख रहे हैं अलकनंदा क्रूज, रविदास से संचालित होता है, रविदास घाट से। और ये देख रहे हैं पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुका था ये रविदास घाट। और यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी ज़ोर शोर से घाट पर जमा कीचड़ मिट्टी पानी के प्रेशर के द्वारा साफ किया जा रहा है। देख पा रहे हैं किस प्रकार घाटों की सफाई हो रही है। दोस्तों, सप्ताह भर में ये भी घाट पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। इधर देख पा रहे हैं, ये आप यहाँ पर कुछ जगहों पर घाट की सफाई हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ ये पूरा सीढ़ी से ऊपर तक के गंगा का जल स्तर जा चुका था बाढ़ के समय, और अभी आप देखेंगे कि इधर थोड़ा सफाई हो गया है, और सामने जो है सफाई का कार्य अभी चालू है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। काफ़ी मज़दूर लगे हुए हैं, मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं रविदास घाट, ये देखिए अब सभी जगह घाटों की सफाई शुरू, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरफ सफाई हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर सफाई हो चुका है, और सामने काफ़ी मिट्टी है। जैसे से माँ गंगा का जल स्तर कम होता है, वैसे से पीछे में काफ़ी मात्रा में मिट्टी गाद ये सब जमा हो जाता है घाट पर। और इस तरफ आप देख रहे हैं पूरी तरीके से घाट पर यहाँ पर अभी मिट्टी जमा है। ये देख रहे हैं आप काफ़ी बड़े पैमाने पर मिट्टी है, और ये पूरा तरीके से साफ़ होने में घाट
कम से कम लग जाएगा सप्ताह 10 दिन। अभी काफ़ी जलस्तर में तेज गिरावट, 13 फुट के आसपास गंगा के जलस्तर में। आज मौसम भी देख रहे हैं, शाम को 4 बजने वाले हैं शाम के, और इस समय का दृश्य है ये, बादल थोड़ा सा आसमान में और कहीं कहीं वाराणसी में बारिश भी हो रही है। तो ये मैंने आपको दिखाया रविदास घाट का दृश्य, ये देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सामने है आपका भागीरथी क्रूज है जिसका संचालन अभी बंद है। ये देख रहे हैं यहाँ पूरी तरीके से मिट्टी जमा है, और इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ का मिट्टी हटा दिया गया है घाट से। चलिए दोस्तों अन्य घाटों पर चलते हैं और वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक भी बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देख रहे हैं एक तरफ आपका रविदास घाट और दूसरी तरफ संत रविदास पार्क। देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में मिट्टी बह के आती है, और जल स्तर कम होने पर पूरा घाट पर ये जमा हो जाता है, और जिसके सफाई के बिना आप घाट पे घूम नहीं पाएंगे। और फिलहाल अभी सभी घाटों पर यही स्थिति है, क्योंकि वाराणसी का पर्यटन उद्योग सिर्फ आपका खास करके घाटों पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ घाट पर काफ़ी बड़े पैमाने पर देसी और विदेशी सैलानी आते हैं घूमने के लिए। देख रहे हैं आसमान में काफ़ी नीला बादल, चलिए दोस्तों रविदास घाट से आगे बढ़कर आपको 80 घाट की तरफ चलते हैं लेकर, और वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। इस तरफ देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद क्रूज, और इधर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में मिट्टी घाट के किनारे। ये आप देख रहे हैं 80 घाट, सामने सुबह बनारस का मंच, और यहाँ भी सफाई का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं पानी के प्रेशर के द्वारा। सागर को फोन करो, मुझे लगा कि तुम सागर को बुला लो। यहाँ भी बड़ी मात्रा में गंगा के जल स्तर के कमी के कारण पीछे कीचड़ और मिट्टी सब जमा हो गया था, जैसे कि पानी के प्रेशर के द्वारा आप देख रहे हैं सफाई किया जा रहा है। 80 घाट इस तरफ देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ भी गंगा का जल स्तर कम होने के बाद कीचड़ जमा हो गया था। देख रहे हैं कि सफाई का कार्य काफ़ी जोर शोर से, देख रहे हैं मंदिरों को सभी जगह पानी के प्रेशर लगाकर सफाई।
ये दृश्य आप देख रहे हैं 80 घाट की है। अब धीरे धीरे सभी घाटों की सफाई चल रही है, इसलिए आप जब भी आएं कम से कम 15 दिन बाद, तब आपको घाट पर सफाई मिलेगी। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और घाटों पर आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। सामने देख रहे हैं आसमान में काफ़ी बादल भी छाया हुआ है, बारिश होने की काफ़ी संभावना। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हुए अन्य घाटों पर आपको दृश्य दिखाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया 80 घाट, अब चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ।